नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के सतना से। जान जोखिम में डाल तय होती है मंजिल। सतना जिले मंझगवा ब्लॉक अंतर्गत ग्रामीण सुदूर मार्गों में जान जोखिम में डालकर सफर हो रहा है। फिर चाहे पुरानी धक्का मार कमांडर जीप हो या तीन पहिए का ऑटो वाहन, ऊपर से लेकर अंदर तक भरकर उन मार्गों में दौड़ रहे हैं जहां खाली वाहन तक का सहज गुजरना टेढ़ी खीर से कम नहीं। यह तस्वीरें हैं मंझगवा से पहाड़ी खेड़ा पहुंच मार्ग की, जिसकी दुर्दशा पहले ही बड़ी भारी भरकम बालू के वाहनों ने कर रखी है। क्योंकि ऐसी सड़कों पर इन्हें ना तो आरटीओ का भय होता है ना ही पुलिस की फिक्र, लिहाजा ओवरलोड परिवहन ग्रामीण मार्ग की पहचान बनी हुई है। तस्वीरों में देखे कैसे एक खटारा कमांडर में ऊपर से नीचे तक लोग बैठ कर बताओ बच्चों को लेके इस तरह तुम लोग बैठा के चलते गाड़ी में। कितने लोग लाते हो गाड़ी में? 30 आदमी। तुम चला रहे हो? 30 आदमी। ये अभी चक्र नाला चढ़ी है, अगर ये गाड़ी पलट जाती तो कौन जिम्मेदार था? चक्र नाला गाड़ी चढ़ी है, अगर गाड़ी पलट जाती कौन जिम्मेदार होता है इतनी मौतों का? इसमें छोटे छोटे बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं। ये महिलाओं की हालत बताइए किस प्रकार से है, ये बच्चे दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों को दूसरी गाड़ी नहीं, किराया नहीं लेते हैं क्या ये गाड़ी वाले आप लोगों से? इतनी जान जोखिम में डाल के कैसे सफर कर रहे हैं आप लोग? सफर कर रहे हैं, वहीं महिलाएं छोटे छोटे मासूमों को लेकर अंदर बैठी है। सात से आठ पासिंग जीप में चालक के अनुसार ही उसमें 30 से ज्यादा सवारी सफर कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इन वाहनों को मंझगवा पहुंचने या मंझगवा से आने पर थाने से होकर गुजरना पड़ता है। फिर भी कोई खौफ ना होना मिली जुली सरकार की निशानी है। अब सवाल जिम्मेदारों से ही बनता है कि यदि कोई घटना घटी तो जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पूछने पर साहब हमेशा कार्यवाही करने की बात कह पल्ला झाड़ लेते हैं। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सतना से भीम सिंह की रिपोर्ट।